26 जून को जन्मे व्यक्ति अपने जीवन में या तो बेहद सफल व्यक्ति साबित होते हैं या फिर बुरी तरह से असफल रहते हैं। इन्हें समझ पाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग दिखते हैं वैसे अंदर से ये है नहीं। एक्चुअली ये लोग आसानी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, इन्हें वक्त लगता है। पूरी तरह से देखने समझने के बाद ही ये किसी की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो एक अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। भले ही लोग इन्हें समझ ना पाए लेकिन ये मित्रों के हमेशा काम आते हैं। इनकी अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। ये लोग ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाना पसंद करते हैं जो विचारों से तजुर्बे से भरपूर हों, गंभीर और मार्गदर्शन करने वाले हों। वैसे ये अपने से छोटी उम्र वालों के साथ भी उनकी फेवरेट लिस्ट में शामिल होते हैं। ये लोग सदैव सुरक्षित स्थान पर ही रहना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि इनकी दोस्ती, इनकी निष्ठा इनके हित के अनुकूल परिवर्तित भी होती रहती है। थोड़े आलसी, थोड़े विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, खूब खर्चीले स्वभाव के, बड़े पैमाने पर बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, और उसमें ये लोग सफल भी होते हैं क्योंकि मेहनत खूब करते हैं। जिस काम को भी हाथ में लेते हैं पूरा करते हैं। इनकी योजनाएं मौलिक होंगी, रचनात्मक होंगी। अपने कार्य में ये किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, मीन मेक निकालना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने आप पर पूरा भरोसा करते हैं। इनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, इसीलिए अपनी कड़ी मेहनत के बल पर धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर चलते चले जाते हैं और फिर पीछे बुलट कर भी नहीं देखते हैं। 26 जून को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 8। 8 का अंक यानी शनि देव की एनर्जी, लेकिन 26 के इस अंक में चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी भी शामिल है। चंद्रमा और शुक्र के मिलने से यहाँ पर शनि की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर या तो आपका चंद्रमा पीड़ित होगा या फिर शुक्र पीड़ित होगा। अब ऐसे पीड़ित ग्रह के कारण आपका शनि भी प्रभावित होगा। आपकी कड़ी मेहनत में भी आपका संघर्ष नजर आएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से अच्छा करने की कितनी भी भरपूर कोशिश करेगा लेकिन चूक कहीं ना कहीं अवश्य हो जाएगी। देखने में यही आता है कि आप अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी लॉजिकल हो जाते हैं, बात करने में हार्श हो जाते हैं और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आपकी बातें उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं। एक्चुअली आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, लोगों को आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। आप में स्मार्टनेस नहीं है और आपको यही सीखना होगा। आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ना होगा। लाइफ में आप ग्रो तो करते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। आप लोगों को मेहनत दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ जाती है क्योंकि शनि आपसे मेहनत बहुत करवाते हैं। पसीना बहेगा आपका तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता भी नहीं है। अपनी ज़रूरतों पे, लग्जीरियस आइटम पे आप खूब खर्चा करते हैं। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट पर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, अपने कैश फ्लो को आप फिर अच्छा कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आपको यही सलाह दी जाती है कि भूलकर भी किसी को अपना पैसा उधार ना दें और ना ही आप किसी से कर्जा लें। अक्सर देखने में आया है कि अगर आप किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाते हैं तो आपका वो काम सक्सेस नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, क्योंकि शनि आपको यहाँ पर धैर्यपूर्वक सोच विचार कर काम करने की प्रेरणा देता है। एक तरफ आप आलसी भी हैं और मेहनती भी, यानी कि या तो आप पड़े रहते हैं आलसियों की तरह या फिर कोई काम हाथ में लेते हैं तो पूरी जी जान लगा देते हैं, दिन रात की परवाह भी नहीं करते हैं। काम को पूरा करने के बाद फिर से एक लंबी छुट्टी पर आराम करने के लिए निकल जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं लेकिन आपस में शत्रु राशि हैं। चंद्रमा को माँ का दर्जा मिला है तो शुक्र को पत्नी का, और शुक्र और चंद्रमा यानी कि सास बहू का झगड़ा। आपके ग्रहों पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही धन का, वैभव का प्रतीक है, इसीलिए आप हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद भी लेंगे। एक हाई क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप आगे बढ़ेंगे। लोगों को यही लगता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, ये आप लोग ही बेहतर जानते हैं। 26 का ये अंक आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी से सावधान रहने को कहता है, लोगों के धोखे का शिकार होने से बचने का संकेत करता है। 26 जून को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मिथुन, जिसके स्वामी हैं बुध देव।
कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि है। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य वृषभ राशि का है तो आपको मेरी 26 मई वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो आपको मेरी 26 जुलाई वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 26 जून को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर शनि और मिथुन राशि के बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। शनि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इनके हर कार्य में विलंब की स्थिति आप देख सकते हैं। ये लोग परिश्रमी तो होते हैं लेकिन बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। वहीं बुध इनके विचारों को हवा देता है, हमेशा कुछ ना कुछ विचार इनके दिमाग में चलते ही रहते हैं। सोचने समझने की शक्ति इनकी बहुत तीव्र होती है, काम करने की क्षमता उतनी ही कम होती है, जिस कारण इनमें आलसपना ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लोग महत्वाकांक्षी तो होते हैं लेकिन काम को भी हमेशा लटकाए रखते हैं। लेट लतीफ़ों में इनकी गिनती आ सकती है। इन्हें ऐसे कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जो इनके मनोमस्तिष्क के अनुकूल हो, दिमागी कार्य हो। कंसल्टेंसी के काम में ये माहिर होते हैं। बुध बुद्धि है और शनि परख है। बुद्धि और परख का सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। बुध व्यापार है, जाति से बनिया है, स्वभाव से राजकुमार है, काम से बतूनी है, हंसी मजाक करना इसका स्वभाव है। जिससे प्रभावित हो जाए उसी की प्रशंसा में ये गीत गाने लगता है। बातूनी होना सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात पर जोर देना, किसी की भी बात को ना सुनना इसकी प्रवृत्ति है। घर में अलग और बाहर अलग, यानी कि घर वाली और बाहर वाली कहानी भी इनकर अक्सर देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, प्रकृति से ठंडे हैं लेकिन मन से चलाक हैं। रात्रि बलि ग्रह हैं, नीच संगति करते हैं, तामसिक ग्रह हैं। शनि और बुध दोनों ही मित्र ग्रह हैं। बुध को व्यक्ति की बुद्धि से परखा जाता है और शनि को व्यक्ति के कार्य से परखा जाता है। बुध भाषा से और शनि लिखने की कला में प्रवीण होता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो काम के प्रति गंभीर होते ही हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इनकी बोलने की शैली बहुत ही औपचारिक, प्रत्यक्ष यानी कि स्पष्ट बात बोलने वाले और हमेशा अपने काम से ही जुड़ी बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीनी काम से ज़्यादा जुड़े देखे गए हैं। कमीशन एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, लाइजनिंग इनके लिए अच्छे कार्य साबित होते हैं। कुंडली में अगर बुध या फिर शनि खराब स्थिति में हुआ तो आपकी शिक्षा में बाधा आ सकती है, आपके बोलने में हकलाहट या फिर तोतलापन जैसी समस्या भी आ सकती है। शारीरिक रूप से अपंग या फिर पक्षाघात, लकवा हो सकता है, क्योंकि शनि धीमी गति का ग्रह है, स्वयं लंगड़ा का चलता है। आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, आप कर्जदार हो सकते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई से आपका ध्यान हट सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है या फिर आपको व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सोच वाला हो जाता है, हर काम में आलस करता है, एक ही विचार को मन में बार बार लाता है, यानी कि उदासी, थकावट, आलसपना, हर काम में देरी, चिड़चिड़ा स्वभाव आपके खराब बुध और खराब शनि की निशानी है। कुंडली में आपके बुध और शनि की स्थिति कैसी है वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका शनि कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब बुध और शनि के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सके। उपाय के तौर पर केसरिया गणपति अपने वर्क प्लेस पर अवश्य रखें। हमेशा बजरंग बली की शरण में रहें। शनि को अच्छा करने के लिए शुक्र प्रधान वस्त्र ग्रहण करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने, कटे फटे बिल्कुल ना हो। परफ्यूम की जगह इत्र को प्रयोग में लाएं। काले और डार्क रंगों को अवॉइड करें। अपना आचरण, अपने कर्म अच्छे रखें। झूठ बोलने से, बुराई करने से बचें, झूठी गवाही देने से बचें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, सोच समझ कर बोलें, भरपूर नींद लें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। अपनी वाणी में सुधार लाने के लिए आईने के सामने खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करें। और हाँ, परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 3, 5 और 6। 3 का अंक गुरुदेव, 5 का अंक बुध का और 6 का अंक शुक्रदेव का। आपके सम अंक, समान अंक हैं 4 और 7, यानी कि राहु और केतु का। आपके शत्रु अंक होते हैं 1, 2 और 9 का अंक। 1 का अंक सूर्य का, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल का। आपके लिए लकी अंक साबित होता है 6 का अंक। 8, 17 और 26 तारीख आपके लिए शुभ तिथियां होंगी। आपके लिए शुभ दिन है सैटरडे, संडे और मंडे। आपके शुभ रंग हैं ग्रे कलर, काला रंग, डार्क ब्लू, पर्पल, जामनी रंग। ये सभी डार्क रंग उन लोगों के लिए हैं जिनका शनि उच्च का है या फिर मजबूत स्थिति में है। जिनका शनि खराब है या कमजोर स्थिति में है, नीच का है, उन्हें शुक्र के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हल्के रंगों का, सफेद रंग का, पिंक कलर, इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें डार्क रंग अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 मई से 27 जून और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य लोग। और इस समय के बीच में आपके साथी का, आपके जीवन साथी का जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 अप्रैल से 27 मई, 21 अगस्त से 27 अक्टूबर, 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 8, 17 या फिर 26 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।